अति वृष्टि का आज भी फोरकास्ट है, कल भी रात भर पानी गिरा है। अभी हमारे जो प्रमुख मार्ग हैं, ये प्रमुख मार्गों में मंडला से सिवनी वाला जो मार्ग है, यहाँ मार्ग बंद किया है, पानी ऊपर है। ओरछा से पृथ्वीपुर वाला जो बेतवा नदी का मार्ग है, वो अभी बंद किया गया है। चंदेरी से ललितपुर वाला भी जो मार्ग है, वो भी बंद किया है। ये दोनों ही बेतवा से जुड़े हुए हैं। बरेली से पिपरिया मार्ग है, वो भी बंद किया गया है। ये जो प्रमुख मार्ग है ये हैं, और छोटे छोटे रपटे भी, पुलियाँ हैं, ये भी अभी उफान पर हैं। मेरी प्रार्थना है सभी से कि इन मार्गों पर आज यात्रा ना करें, ना कोई रिस्क लें। नर्मदापुरम में भी सेठानी घाट जो है, वहाँ भी माँ नर्मदा खतरे के निशान के ऊपर आ गई हैं, और इसलिए हमको सभी को चिंता करनी चाहिए, चूँकि आज भी बारिश का फोरकास्ट है। प्रदेशवासियों से भी प्रार्थना है कि यात्रा अगर संभव नहीं हो तो नहीं करना चाहिए, रिस्क कोई नहीं लेना चाहिए। खासकर वो लोग जो पिकनिक मनाने के लिए या घूमने के लिए सैर सपाटे पर जाते हैं, उनसे प्रार्थना है कि आज फोरकास्ट है तो आज इस तरह की रिस्क नहीं लें और जाए नहीं। SDRF की जो हमारी टीमें हैं, वो लगातार सब जगह पर सक्रिय हैं। इन जगहों पर उनको लगा भी दिया गया है, जो कि जहाँ जहाँ खतरे की स्थिति है। अभी तक हमारी SDRF की टीमों ने देवास में 150 व्यक्ति जो फंस गए थे, उन्हें भी निकाल लिया है। कल हमारे पुलिस के जवानों ने, कल क्या आज ही रात में जो सीहोर में 8 बच्चे फंसे थे, उनको SDRF की टीम, पुलिस के जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया है। सोनकक्ष में पेड़ पे फंसे दोनों व्यक्तियों को SDRF की टीम ने निकाल लिया है। रतनाम के सैलाना में जो तालाब फूट गया था, वहाँ भी SDRF की टीम ने किया है। छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल, ये भारी वर्षा के कारण फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने का काम लगातार हमारा चल रहा है, और सभी जगह पर हमने एहतियात के लिए अलर्ट किया हुआ है।